नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली टीसीएस पर। देखिए, जो हमारा पेपर 5 शुरू हुआ है 20 तारीख से, 20 जुलाई से, तो उसमें देखिए ये पहले दिन की कॉपी है, डे वन की कॉपी है, और इसमें 5 प्रश्न डेली मिलते हैं। कितने? 5। पहले 2 मिलते थे प्रश्न, अब इसमें बढ़ा के 5 कर दिए गए। तो ये डे वन की कॉपी है, और इसी तरीके से हम अब रेगुलर इसको लेके आएंगे, एक प्लेलिस्ट बना देते हैं। तो आप जो भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो वो इनको देखकर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। और साथ ही ये देखिए पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, 5 प्रश्न ये डेली रहते हैं। तो ये ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी, उसको भी देख लीजिए। तो देखिए ये ग्रुप है ओनली पीसीएस डिस्कशन ग्रुप, तो इसमें जाके आप ले सकते हैं। ये इस तरीके से आप सर्च कर लीजिए, ओनली पीसीएस चैनल भी है, और ये दोनों पे ही मिल जाएगी आपको। और ये डिस्कशन ग्रुप है, ये मेंबर है आपके, ये लोगो लगा होगा, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ओनली पीसीएस डिस्कशन ग्रुप या ओनली पीसीएस चैनल सर्च करेंगे तो वो यही लोगो आपको मिलेगा इस तरीके से, तो आपको यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न किस किस तरीके से पूछे गए और क्या क्या उत्तर दिए, तो ये बेस्ट कॉपी है, इसी तरीके की कॉपी हम लोग देखा करेंगे इसमें। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए 999 रुपये पूरी फीस है, दोनों पेपर इसमें कराए जाएंगे, पेपर 5 और 6, और ये लगातार मेज तक आपके चलते रहेंगे रेगुलर। पेपर 6 अभी फिनिश हुआ, पेपर 5 शुरू हो गया है। अब इस तरीके से पेपर 5 फिनिश होगा, पेपर 6 शुरू हो जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 8527434727 पे संपर्क कर लीजिए, कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो अभी ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, तो अभी आप 2 पेपर ये कंप्लीट करके रखिए। पेपर 2 की भी आंसर राइटिंग चल रही है, वो भी ज्वाइन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों का विवरण देना है 125 शब्दों में। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, उत्तर प्रदेश एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का घर है, जो प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। उत्तर प्रदेश के क्रमबद्ध इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से होती है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। तो इन्होंने ये भी दे दिया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो एक ये अच्छा परिचय है। परिचय के बाद में सीधा इन्होंने मेन पॉइंट पे आए कि ये जो है प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थल क्या है, ये प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थल हैं। तो जैसे पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल दिखा दिए, जैसे पुरापाषाण काल को 3 कालों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल के में देखेंगे तो बेलन घाटी देखने को मिलता है, यहाँ से पत्थर के औजारों के साथ साथ मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है, तो ये भी उल्लेख कर दिया है। तो इस तरीके से ये है पुरापाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के कालपी है, सिंगरौली है, चकिया है, बेलन घाटी है, और भी हैं, जैसे आप प्रतापगढ़ में देखते होंगे, प्रतापगढ़ में सराय नहर राय है। बाकी इन्होंने ये मैप में दिखा दिया है, ये मैप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बनाया है। ये देखिए ये है आपका मध्य पाषाण काल के सराय नहर राय, महदहा और दमदमा, ये तीनों यहीं थे। बाकी एक कोलडेवा, महगढ़ा और यहाँ पे ये बेलन घाटी दिखाई दिए। तो ये इस तरीके से और भी है, संत कबीर नगर में देखेंगे तो लौरा देव, तो इस तरीके से और भी यहाँ पे मेंशन करिए। अभी इन्होंने थोड़ा कम किया, और भी कर सकते हैं पॉइंट, आगे देखते हैं। हालांकि इन्होंने उल्लेख कर दिया सबका। उच्च पुरापाषाण काल में देखेंगे तो लोहदा नाला है, चौपानी मांडो है, आदि प्रमुख स्थल प्राप्त हुए यहाँ से। और उत्तर प्रदेश में मध्यपाषाण काल में प्रमुख स्थल देखें तो ये थे मध्य पुरापाषाण काल, और ये है मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो ये है सराय नहर राय, महदहा, चौपानी मांडो, दमदमा। कौन सा है? दमदमा भी यहाँ लिख लीजिए, ये भी है। यहाँ से क्या ज़्यादातर मिले हैं तो ये स्थाई झोपड़ी के निवास साक्ष्य मिले हैं बनाने के, और साथ ही साथ देखिए सवाधान के साक्ष्य भी मिले हैं, जहाँ से कबीलों में संघर्ष वगैरह की भी या कोई बाहरी आक्रमण वगैरह को ये सिद्ध करती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से आप यहाँ दिखा सकते हैं, ये इन्होंने मैप बना दिया है, तो काफ़ी सुंदर है, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। नवपाषाण काल में देखें तो सर्वप्रथम मानव ने कृषि और पशुपालन की शुरुआत यहीं की। कोलडेवा में देखेंगे तो धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं सबसे प्राचीनतम। लौरादेव में देखेंगे तो कृषि कार्य के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। महगढ़ा जो कि प्रयागराज में है, यहाँ से मवेशी पालन, बकरी, भेड़, घोड़े की हड्डियाँ आदि के साक्ष्य मिले हैं। और इन्होंने कंक्लूजन दे दिया है कि उत्तर प्रदेश के ये स्थल क्षेत्र की क्रमबद्ध समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण है, और पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और उत्साही लोगों के लिए यह समान रूप से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन स्थलों की खोज और संरक्षण करके हम भारतीय उपमहाद्वीप में मानव विकास और सभ्यता के विकास की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। फिर मार्क्स है इनका। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करनी है उत्तर प्रदेश में। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्य युग की सभ्यता थी, जिसका अधिकांश विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। इस सभ्यता के कुछ स्थल उत्तर प्रदेश में भी पाए गए। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश से लिंक देखिए अवश्य करना है, ये क्या करना है, उत्तर प्रदेश से लिंक अवश्य करना है आपको इंट्रोडक्शन को। और एक आप जैसे अब ये आ गया सीधा, इन्होंने जो लिंक किया है परिचय को और मेन बॉडी में भी लिंक होना चाहिए एक आपका, तो वो भी दर्शा दिया है। उन्होंने हड़प्पा के प्रमुख स्थल दिखाए हैं। हुलास जो कि सहारनपुर में है, उत्तरकालीन सैंदव सभ्यता का स्थल है ये, कांच की मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, ठीकरे, खिलौना, गाड़ी आदि मिले हैं। ये इन्होंने देखिए मैप बना दिया, काफ़ी अच्छा है। हुलास दिखा दिया सहारनपुर में, मांडी मुजफ्फरपुर में और बड़गांव, ये आपका यहाँ पे आलमगीरपुर है, ये बड़गांव अलग है, आलमगीरपुर है, और ये मानपुरा है। तो ये इस तरीके से कुछ स्थल यहाँ पे दिखा दिए गए। तो इस तरीके से मैप आप दिखा सकते हैं। मांडी है मुजफ्फरनगर में, तो यहाँ से खेत से जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के सिक्के मिले हैं, जिससे टकसाल ग्रह की संभावना यहाँ पे जताई जाती है। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंट के ये मिली हैं यहाँ से। आलमगीरपुर मेरठ में है, ये क्या मिला है, टीले की खुदाई से सैंदव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जैसे खुदाई में मृदभांड तथा मनके मिले हैं। बर्तनों पर देखेंगे मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि की चित्रकारी देखी गई है। यह सभ्यता गंगा, यमुना, दोआब में भी फैली थी। अन्य स्थल भी दिखा दिए, केराना सामली में है, बड़गांव, बागपत में, मानपुरा, बुलंदशहर में। तो ये चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं। बड़गांव तथा मानपुरा से उत्तरकालीन हड़प्पा काल के मृदभांड, मनके, खिलौना, चूड़ियाँ ज़्यादातर यही प्राप्त हुए हैं।
अब इन्होंने ये निष्कर्ष दिखा दिया है, तो ये आप देख सकते हैं, एक बैलेंस निष्कर्ष है, काफ़ी अच्छा है। तो ये आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ में देख सकते हैं बाकी चीज़ें। तीसरा है प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए 125 शब्दों में। तो इन्होंने प्रयागराज का इंट्रोडक्शन दिया है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो हजारों सालों से एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। प्राचीन भारत में प्रयागराज शिक्षा, आध्यात्मिकता और राजनीति का एक प्रमुख केंद्र था जो पूरे उपमहाद्वीप में विद्वानों, संतों और शासकों को आकर्षित करता था। अब देखिए इस तरीके से एक चीज़ जान लीजिए, आप लोगों में से बहुतों ने यह किया है कि मैप बनाया और मैप में सिर्फ एक पॉइंट को दिखा दिया प्रयागराज। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको बाकी कुछ कर देना था। यहाँ पे प्रयागराज में आप दिखा दीजिए क्या क्या है, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति दिखा दीजिए, है ना। तो इस तरीके से ये एरो लगा कि आप यहाँ प्रयागराज में बाकी चीज़ें दिखा सकते हैं, अकबर ने क्या किया यहाँ पे वो दिखा सकते हैं, और जो भी है चीज़ें, तो यहाँ पे आप माघ मेला दिखा दीजिए और जो भी चीज़ें हैं, एक तरीके से आप इसको ब्रॉड लेवल पे ले जाइए, एक पॉइंट नहीं दर्शाना है, ठीक है। आगे चलते हैं सांस्कृतिक महत्व पे आ जाइए। धार्मिक महत्व का स्थान क्यों, स्थान क्योंकि यह गंगा यमुना के पवित्र संगम पर, सरस्वती भी लिखी है यहाँ पे, पहले अदृश्य नदी लिख दीजिए, अदृश्य सरस्वती, ऋग्वेद में उल्लेख सर्वप्रथम इसका मिलता है, जहाँ संगम में स्नान को स्वर्ग प्राप्ति का माध्यम भी बताया गया है। महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में, रामायण महाभारत पुराण में भी उल्लेख है इसका, और देखेंगे भारद्वाज ऋषि है, ऋषि का आश्रम भी स्थित है, और देखेंगे आप दुर्वासा ऋषि, पन्ना, दुर्वासा पन्ना आदि का ये जन्मस्थली भी रही है, तो ये सब भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। हेनसांग के अनुसार देखेंगे हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष यहाँ प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे, तो ये सब दिखा सकते हैं। सोम वरुण प्रजापति की जन्मस्थली है। प्रयागराज का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा इसका। अशोक का एक स्तंभ लेख कौशाम्बी प्रयागराज में मिला है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति का संबंध भी है यहाँ से। आगे हर्ष का जुड़ाव भी प्रयागराज से देखने को मिला है। माघ मेला प्रत्येक वर्ष लगता है यहाँ पे। अकबर ने गंगा नदी के किनारे 1583 में इलाहाबाद किले की स्थापना की, और इलाहाबाद नगर का भी जो नाम भी इसी ने दिया, अल्लाह का नगर, 1575 के करीब में, ठीक है। तो ये भी दिखा सकते हैं। मध्यकाल में यहाँ मुस्लिम शासकों का नियंत्रण रहा, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयागराज का योगदान रहा है काफ़ी, और कई सारे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से मिलेंगे, जैसे गांधी परिवार जितना है सब दिखा सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, प्रशासनिक एवं शैक्षिक शहर रहा है, और यह निष्कर्ष देख लीजिए, प्रयागराज समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत, समकालीन भारतीय समाज को प्रेरित और प्रभावित करती रहती है, ये जिससे यह भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व को संक्षेप में दिखाना था, वर्णन करना था, तो इन्होंने वाराणसी का एक इंट्रोडक्शन दिया है। थोड़ा सा क्लियरिटी इनकी कम है पीडीएफ बनाने में। वाराणसी जैसे बनारस या काशी भी बोला जाता था, तो के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे पवित्र और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। ये 5000 सालों से भी पुराना इतिहास ये इसका, यह शिक्षा, आध्यात्मिकता, संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। ये देखिए इन्होंने फिर किया, एक पॉइंट को दर्शाने के लिए पूरा मैप बनाया, तो ये नहीं करना है। बाकी यहाँ पे जितने मंदिर हैं, यहाँ पे ये दिखा दीजिए, है ना, मंदिर दिखा दीजिए, और जो भी प्रमुख स्थल हैं वो दिखा दीजिए, तो ये सब आप मैप में दिखाइए, सिर्फ एक पॉइंट को नहीं दिखाना है। जैसे ये कला, संगीत एवं साहित्य का समृद्ध केंद्र था, भारत का कला भवन संग्रहालय BHU, तो ये BHU वगैरह यहाँ पर बनारस में दिखा दीजिए, कला भवन संग्रह दिखा दीजिए, है ना। तो इस तरीके से मैप बनाना है, तो वहाँ पे देखें कि हाँ मैप में आपने को शो किया है, सिर्फ एक पॉइंट नहीं दिखाना है। प्रतिष्ठित मंदिर देख लीजिए, जैसे ये मंदिर जितने हैं ये सब आप इस मैप में दिखा सकते थे, काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा मंदिर, संकटमोचन मंदिर, हनुमान मंदिर, ये सब दिखा सकते हैं। महाभारत के अनुसार वाराणसी नगर की स्थापना देवोदास नामक राजा ने की थी, और ये देखिए प्री वगैरह में पूछा जाता है। संस्कृत शिक्षा का केंद्र रहा ये, प्रकाश का शहर व काशी का, काशी नाम से प्रचलित रहा ये। भारतीय वैदिक संस्कृति का उद्गम स्थल है। उत्तर भारत के व्यापार मार्ग जो थे उनका प्रमुख केंद्र भी रहा है। महात्मा बुद्ध ने यहाँ प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। महर्षि पतंजलि आयुर्वेद और योग के गुरु भी यहाँ वाराणसी से संबंधित थे। रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादक, इनका भी संबंध यहीं से रहा है। और जैन तीर्थंकर देखेंगे सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु और श्रेयसनाथ, इनका भी जन्मस्थल रहा है। हेनसांग द्वारा इसके वैभव और महत्ता का वर्णन किया गया है, तो ये सब आप अच्छा दिखाएं। निष्कर्ष है भारत की सांस्कृतिक राजधानी से कही जाने वाला वाराणसी शहर समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत दुनिया भर से तीर्थयात्रियों, विद्वानों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो उसे अद्वितीय और विशेष स्थान प्रदान करती है। आप हाँ ये आप कर सकते थे इसमें, जैसे करंट से रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे SCU ने क्या किया, SCU ने इसको पर्यटन राजधानी घोषित किया था, पर्यटन राजधानी घोषित किया है, तो ये सब आप इसमें आप कंक्लूजन में दे सकते हो। तो कंक्लूजन को थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड, लक्ष्य ओरिएंटेड, तो ये सब हमने एक वीडियो में दिखा भी दिया क्या क्या पॉइंट है, उसका PDF भी पढ़ाया, वो भी देख सकते हैं कि कैसा परिचय होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो लिंक इसको करिए आप। अब ये लास्ट है, उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व की विवेचना करनी है 200 शब्दों में। तो इन्होंने दिखा दिया उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास भारत के प्राचीन इतिहास से अंतर संबंधित रहा है। उत्तर प्रदेश का इतिहास जानने के मुख्यतः 3 प्रमुख स्रोत हैं, जैसे पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण। अब इन्होंने सही से ये कैटेगराइज किया है, जैसे पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन भारत के कई प्रमुख राजवंश हैं कि अभिलेख यहाँ से मिले हैं, सिक्के हैं, ये पुरातात्विक स्रोत में स्मारक हैं, ये प्राप्त हुए उत्तर प्रदेश से, जो यहाँ के लोगों के रहन सहन, व्यापार, वाणिज्य, सांस्कृतिक विकास की जानकारी भी देते हैं। अभिलेख में देखिए अशोक के हैं, सारनाथ, प्रयाग, कौशाम्बी, मेरठ, अरोरा,
से प्राप्त हुए हैं अभिलेख। स्कंदगुप्त का देखेंगे भीतरी अभिलेख है, तो यहाँ से थोड़ा सा जानकारी भी आप दे दीजिए भीतरी स्तंभ लेख में क्या है और ये सब किससे संबंधित है, तो थोड़ा थोड़ा जानकारी भी आपको हूणों के आक्रमण से संबंधित ये आप दिखा दीजिए, इसमें ये जानकारी दी गई है, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ये भी दिखाइए। सिक्कों में देखेंगे अधिकांश गुप्त राजाओं के साथ विभिन्न राजवंशों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। स्मारकों में देखिए प्रमुख स्मारक मंदिर चैत्य स्तूप आदि देवगढ़ सारनाथ स्थानों से प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक स्रोतों में देखेंगे ब्राह्मण साहित्य में महाकाव्य रामायण और महाभारत, बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय महावस्तु, जैन साहित्य में भगवती सूत्र, इनमें सबका उल्लेख दिया गया है। यहाँ आपको ये दिखा देना है कि साहित्य में अभी अंगुत्तर निकाय हैं और भगवती सूत्र के माध्यम से जो 16 महाजनपद की पुष्टि हुई है, 16 महाजनपद की बात की गई है, तो इसमें से 8 प्रमुख जो हैं वो यूपी में है, तो इसका उल्लेख आप इनके माध्यम से दिखा दीजिए तो पुष्टि हो जाएगी ना कि आप जो दे रहे हैं उसका उल्लेख है इनमें, तो आपने केवल ये देके नहीं छोड़ना है, इसके साथ भी लिखना है। ये अन्य साहित्य में हरिषेण, बाणभट्ट, कालिदास, श्रीहर्ष आदि लेखकों के माध्यम से भी ये उल्लेख किया गया है। विदेशी यात्रियों के विवरण में देखेंगे चीनी यात्री हेनसांग ने प्रयाग और कन्नौज सभा का वर्णन किया है, हाईयान ने मध्य देश के बारे में वर्णन किया है, ईरानी और अरब यात्री हैं अलबरूनी और सुलेमान, इन्होंने भी विवरण में दिया है उत्तर प्रदेश के बारे में, है ना। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, ये इन्होंने निष्कर्ष दे दिया है। अतः प्राचीन उत्तर प्रदेश का अध्ययन विविध स्रोतों पर आधारित निर्भर है, निर्भर करता जिनमें एक प्रत्येक क्षेत्र के अतीत की हमारी समझ को अद्वितीय रूप से योगदान देता है। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं और आकर्षक बना सकते हैं इसको, ठीक है। आपको थोड़ा सा इन्हीं पे काम करना है, परिचय और निष्कर्ष पे। तो इसके लिए हमने क्या क्या पॉइंट होने चाहिए वो एक PDF दे दिया, वीडियो भी दे दिया, उसे आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही PDF चाहिए तो ओनली PCS टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन आज ही कर लें, जिससे कि आपको अपडेट भी मिलती रहे, साथ ही देखिए वहाँ बहुत कुछ मिलता है, फ्री की फ्री क्विज भी मिलती है करंट अफेयर की और वैसी, तो आप सब जो मिलता रहेगा आप अपडेट रहेंगे। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।